हाय फ्रेंड्स, देखिए ये सैमसंग का टीवी है। सैमसंग का टीवी आया है हमारे पास। ये पूरी तरह से डेड है। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, इसमें लाइट में लगाते हैं, इसमें कोई पावर ही नहीं आ रहा है, ना ऑन हो रही है। चलिए इसको देखते हैं खोल के कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सैमसंग कंपनी का टीवी है, आज इसको हम रिपेयर करके दिखाएंगे। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, हर तरह के फॉल्ट बताते हैं अच्छे से। हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। इसको खोल लेंगे, खोल लेते हैं, इसको खोल लिया है हमने। देखिए इसकी मेन किट है, ये सैमसंग कंपनी का किट है, ये ओरिजिनल किट है। देखिए जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, दो बड़े बड़े कैपेसिटर दिख रहे हैं, जो ये दो कैपेसिटर हैं, इनमें 350 वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 350 वोल्टेज आता है, यहाँ पे देखेंगे कि 350 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसको, पावर में लगाएंगे इसको। यहाँ पे 350 वोल्टेज चेक करेंगे हम। देखिए 324 के वोल्टेज के आसपास आ रहा है। वोल्टेज तो ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेकेंडरी साइज में 125 वोल्टेज आता है, जो ESD से होके ट्रांजिस्टर को जाता है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो 300 के ऊपर बता रहा है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेकेंडरी साइड में कोई वोल्टेज नहीं बता रहा है। यहाँ से डायोड लगा है, डायोड से होके 124-125 वोल्टेज ESD को जाता है, जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसमें जाता है। हम सेकेंडरी साइड में फाल चेक करेंगे, यहीं पे शॉर्टिंग है, इसीलिए वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे डायोड से होके ST में जाता है, ST से होके ये ट्रांजिस्टर लगा है 2499, ये ट्रांजिस्टर 2499 है, यहाँ पे वोल्टेज जाता है। अगर ये ख़राब होगा तो वोल्टेज नहीं दिखाएगा। तो हम टीवी को बंद करके मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रख के शॉर्टिंग चेक करेंगे, शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए डायोड लगा है, डायोड पे चेक करेंगे पहले, डायोड तो शॉर्ट दिखा रहा है। आगे चेक करेंगे, देखिए डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये डायोड से होके ST से होके ये ट्रांजिस्टर में जाता है। देखिए ग्राउंड से शॉर्ट दिखा रहा है ये, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। देखिए ट्रांजिस्टर के पिन पे भी देखिए शॉर्ट दिखा रहा है, देखिए शॉर्ट दिखा रहा है, ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट दिखा रहा है। या तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगा या तो ये डायोड ख़राब होगा, इन्हीं दो में से कोई ख़राब होगा तब ये शॉर्ट दिखा रहा है। ज़्यादातर ट्रांजिस्टर ही ख़राब होते हैं,
हम सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के फिर चेक करेंगे। इसको निकाल लेंगे। देखिए ये ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है D2499। इसका नंबर है ये D2499। इसको शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे पहले मीटर से। इसमें देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है, तीनों टांगों में शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए ज़्यादातर ट्रांजिस्टर ही ख़राब होते हैं। यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करेंगे, डायोड में चेक करेंगे। देखिए डायोड सही दिखा रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। देखिए ग्राउंड से भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी चेक करेंगे, कोई शॉर्टिंग नहीं है। हमारा जो ट्रांजिस्टर है ना, वही शॉर्ट दिखा रहा था, इसी वजह से वोल्टेज नहीं आ रहा था। ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे। इसकी जगह पे हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे, उसी नंबर का। देखिए ये 2499 ये भी ट्रांजिस्टर है, इसको हम लगा के देखेंगे। और ये जो पीएफ लगे हुए हैं, इनको भी एक बार चेक कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि ज़्यादातर ये ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह से भी ये ट्रांजिस्टर उड़ जाता है। इसलिए जो लाल कलर के पीएफ लगे हुए हैं, यहाँ पर इन पर भी शॉर्टिंग चेक कर लें, कोई शॉर्ट तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई ख़राब होगा तो अगर ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो फिर से ख़राब हो जाएगा, इसलिए शॉर्टिंग एक बार ज़रूर चेक कर लें ट्रांजिस्टर डालने से पहले। यहाँ पे एक डायोड लगा होता है, उसको भी चेक कर लें, क्योंकि वो भी ख़राब होगा तो दिक्कत होगी। डायोड तो सही है फिलहाल यहाँ पे। और भी शॉर्टिंग चेक कर लें, कहीं पे कोई शॉर्ट तो नहीं है कंपोनेंट्स। यहाँ पे तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। चलिए हम ट्रांजिस्टर लगा के देखते हैं। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर दें। ट्रांजिस्टर को लगा दिया है हमने। अच्छे से सोल्डरिंग कर दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें पावर देके देखेंगे क्या पोजीशन है इसकी। शॉर्टिंग चेक करेंगे पहले, शॉर्ट तो नहीं बता रहा है।
शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है अभी। अब इसको हम पावर में लगा के देखेंगे इसमें वोल्टेज आया कि नहीं आया। एक बार अच्छे से चेक कर लें, पावर में लगा के देखेंगे इसमें वोल्टेज आया कि नहीं आया। देखिए इसमें तिनगारी की आवाज़ आ रही है, देखिए एसटी से तिनगारी निकल रही है, इसका मतलब है कि हमारी एसटी भी ख़राब है। ये एसटी तिनगारी देगी तो हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना वो फिर से ख़राब हो जाएगा। देखिए ये ट्रांजिस्टर को ख़राब कर दिया, ये एसटी हमारी ऊपर से फटी हुई है इसलिए यहाँ से तिनगारी निकल रही है। इसको हम चेंज कर देंगे, देखिए हमने इसको निकाल लिया है। एसटी से अगर तिनगाली निकलेगी ना तो उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें कोई जुगाड़ नहीं है। एसटी का ये नंबर है 14A001, इसका नंबर है। सेम उसी नंबर की एसटी है हमारे पास, हम इसको लगा के देखेंगे। एसटी से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो सीधा उसको चेंज ही कर दें। अगर उसी को लगा के आप बार बार लाइट में लगाएंगे तो ये ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब कर देगा। इसलिए ज़्यादातर हो सके तो एसटी को चेंज कर दें। देखिए एसटी को हमने फिट कर दिया है इसमें, अब इसको सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से। इसको अच्छे से सोल्डिंग कर दे चारों तरफ से, इसमें पेस्ट लगा के सोल्डिंग करें तो अच्छे से इसमें टांका पकड़ेगा। इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। एसटी हमारी सही है लेकिन ऊपर से तिनगारी निकलती है ना, इसकी वजह से ट्रांजिस्टर ख़राब कर देती है। ऐसी अगर कंडीशन हो आपकी तो आप एसटी को ही चेंज कर दें, नहीं तो ये बार बार ट्रांजिस्टर को ख़राब करेगी, कोई दूसरा कंपोनेंट भी ख़राब कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप एसटी को ही चेंज कर दें। अगर एसटी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एसटी से कोई तिनगारी निकलती है तो आप सीधा उसको चेंज ही कर दें। ट्रांजिस्टर को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजिस्टर भी हमारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि एसटी में हाई वोल्टेज जाता है। अगर उसमें तिनगारी निकलती है, प्लेट में शॉर्ट सर्किट होती है तो कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर जो पास में लगा होता है इसको पहले ख़राब कर देती है, इसलिए ध्यान रखें। अगर एसटी से कोई फॉल्ट आता है तो सीधा उसको चेंज कर दें, बाद में उसमें पावर दें। दो ट्रांजिस्टर देखिए हमारे ख़राब हो चुके हैं, तीसरा ट्रांजिस्टर है ये, इसको लगा के देखेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। हम हर एक तरह के फॉल्ट को बारीकी से समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। देख लें कोई वायर कोई टांका जुड़ा तो नहीं है कहीं पे भी। अच्छे से इसको सफाई कर दें। ESC से अगर स्पार्किंग होती है तो सीधा उसको चेंज ही कर दें। कोई रिस्क न लें, नहीं कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो सकता है, मेन IC भी ख़राब हो सकती है। हमारे ये 3 ट्रांजिस्टर ख़राब कर दिए, हमने ध्यान नहीं दे पाया। इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। देखिए अच्छे से हमने इसको क्लीन कर दिया है। अब इसके जो बाकी के वायर हैं ST के बेस बोर्ड में जोड़ेंगे। इस कैप को अच्छी तरह से साफ कर लें, साफ करके ही लगाएं। इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें। कोई डस्ट ना हो इसके अंदर, नहीं स्पार्किंग करेगा ये। पिक्चर ट्यूब को भी अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि इसमें भी डस्ट लग जाता है ना, इसलिए इसको अच्छे से क्लीन कर लें तभी लगाएं, नहीं तो ये यहाँ पे भी स्पार्किंग करेगा ये। इसको अच्छे से क्लीन करके ही लगाएं। कैप लगा दिया है, अब इसके बाकी के वायर लगाएंगे। ESC से देखिए 3 वायर निकलते हैं, एक वायर तो हमने लगा दिया है, 2 वायर बचे हैं जो ये बेस बोर्ड में लगेंगे। इसमें इसको निकाल लेंगे आराम से। यहाँ पे लगेंगे, देखिए इसको अच्छे से लगा दें, बिठा दें ताकि ये निकले ना। इसको भी लगा देंगे। अच्छे से लगाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। अब इसको हम फिट कर देंगे। आराम से लगाएं, क्योंकि ये कांच का होता है।
ये हम योक कोयल के चारों वायर लगा देंगे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए होते हैं। इसको अच्छी तरह से लगा दें, उल्टा ना लगाएं, ध्यान रखें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जैसा लगा था उसी तरह से लगाएं। ये लाइट का मेन वायर है, इसको भी लगा देंगे। अब इसमें हम पावर देके देखेंगे क्या कंडीशन है। इसको हम लाइट में लगा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे वोल्टेज तो आ गया, यहाँ पे भी देखिए वोल्टेज आ चुका है 126-27 वोल्टेज, जो सेकेंडरी साइड में देखिए टीवी भी हमारी चालू हो चुकी है। लेकिन इसमें दिक्कत एक आ रही है, वाइट कलर में रेटलेस लाइन आ रही है। देखिए एक दिक्कत और इसमें देखिए देखने को मिल रही है, वाइट कलर में जो लाइनिंग आ रही है वो ज़्यादातर दिक्कत इस बेस बोर्ड से होती है। जो बेस बोर्ड में जो ये कलर की आईसी लगी होती है, ये जो बेस बोर्ड है यहाँ पे 180 वोल्टेज अगर ना आए तो भी ये दिक्कत होती है। पहले हम 180 वोल्टेज चेक करेंगे इस बेस बोर्ड में, यहाँ पे 180 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 180 वोल्टेज आता है, देखिए 180 वोल्टेज के ऊपर आ रहा है, क्योंकि इस पावर सप्लाई अभी ये बराबर काम नहीं कर रही, इसलिए वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहा है। देखिए वोल्टेज तो ठीक आ रहा है इसका, 180 वोल्टेज से ऊपर आ रहा है। रेड कैथोड में भी देखिए 203 वोल्टेज बता रहा है और ग्रीन कैथोड में भी देखिए 203 वोल्टेज बता रहा है, येलो कैथोड में भी देखिए 203 वोल्टेज बता रहा है। अब इसके हम मेन आईसी से जो 2.5 वोल्टेज कलर के आते हैं रेड ग्रीन ब्लू के, उसके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, रेड ग्रीन, ग्रीन में भी कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, रेड में भी कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे 2.5 वोल्टेज मेन आईसी से आता है नीचे से, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। या तो ये आईसी शॉर्ट होगी तब ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, या तो मेन आईसी ख़राब होगी इसलिए वोल्टेज नहीं आ रहा है। खाली इसमें दो ही फॉल्ट हैं, पहले हम इसको निकाल के इस आईसी को चेंज करके देखेंगे। ये आईसी है, इसको चेंज करके देखेंगे, अगर इससे नहीं होगा तो मेन आईसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेन आईसी से ही 2.5 वोल्टेज आता है, तभी ये काम करती है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम बताएँगे। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें।